the victim before the investigation officer or child welfare committee to shows that the accused person harassed the victim, उसके बाद में उन पर रात में गुनाह दाखिल हुआ और गुनाह दाखिल करने के बाद में आज उनको हजर किया गया। आज सॉल कोर्ट में हम यहाँ पर आज के अखबार और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे न्यूज चल रही थी वो सुनने के बाद आए। उसके पहले हम आज रिमांड होम जलगांव माननीय जिलाधिकारी इनसे मिलकर आए, उनको हमने बात रखी, उन्होंने ये कहा कि पहले आप जाके देख के आओ डॉक्यूमेंटेशन लॉ के किस बिना पर वो बच्चों की तस्करी, ये जो बार बार चल रहा है मीडिया में कि तस्करी कर रहे हैं और लड़कों को छुड़ाया गया, तो इस पर हमको ऑब्जेक्शन था कि कोई मदरसा कोई मौलाना कोई बच्चों की तस्करी नहीं कर सकता। इसलिए हम आज यहाँ पे आए, यहाँ पे आर्गूमेंट सुना और डॉक्यूमेंट्स लेंगे, सर्टिफाइड कॉपियाँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके रिट पिटीशन दाखिल करेंगे हाईकोर्ट में और ये एफआईआर स्क्वैश करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह हमें पूरा ये है आज के आर्गूमेंट से और आज के पुलिस के जो रिमांड याद है उस पर से कि इंशाल्लाह ये एफआईआर स्क्वैश जरूर होंगी और हम इंशाल्लाह इन बच्चों को और मदरसे को इंसाफ दिला के रहेंगे। अभी तक ये पता चला है कि ये ट्वीट जो है किसने किया था, कंप्लेंट किसने, ये कंप्लेंट ट्वीट पे हुई है, किसी ने ट्वीट कर दिया, लेकिन पुलिस का काम है कि वेरिफिकेशन करना चाहिए, जो कि पुलिस ने वेरिफिकेशन ऑन ट्रेन चलती ट्रेन में भी कर सकते थे, उनको बच्चों को उतारना जरूरी नहीं था, ये भी एक एलिगेशन है। इंशाल्लाह हम ये पुलिस पर जब केस करेंगे तब ये बड़ा पॉइंट रहेगा कि अगर उनको था तो उनके पास रिजर्वेशन टिकट है, रिजर्वेशन पर जब ही होता है जब उनके आधार कार्ड दिए जाते हैं, आधार कार्ड पर पूरा एड्रेस रहता है, बच्चों को किसी तरह से कोई कस्टडी में नहीं थी, बच्चों को किसी तरह की कोई नशा की चीज़ें खिलाई नहीं थी, बच्चों को बाकायदा सबके सामने पब्लिकली ट्रेन में ले जाया जा रहा था, वहाँ 378 IPC कहीं कैसे कहीं दूर दूर से नहीं लग पाता, लेकिन पुलिस ने विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा के आज यहाँ पे हमारे मौलाना की PCR लिए, हम उसका पूरा कायदेशीर उसका हम अपोज करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसमें हम रिहाई दिलाई। बैग था छोटा, उसमें तीन चार जोड़े कपड़े थे, इस नाइन में थे, उसमें कुछ नहीं था, कपड़े थे खाली तीन जोड़े, वो गए वो कपड़े ले गए, मैं कुछ बोला नहीं साहब। वो दूसरा बैग जो था वो पैसे वगैरह थे वो ले गए, जो कपड़े था एक अनिकल जी वगैरह पानी ले मना आप, अभी ये बच्चे धीरे धीरे आराम से बैठो बैठो ना, बैठ कर क्यों ना, ये बच्चे बिहार का शांति से मदद करने जा रहे हैं पढ़ने, ये 10 साल जाते थे, 2 साल 3 साल पढ़ लेते हैं जो है।